आज की एक नई वीडियो के साथ आपके दोबारा नजर है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के हवाले से तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने हल कर दिया है। उसको अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात कि लेक्चर की तैयारी के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी आर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। केमिस्ट्री से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने जनरल नॉलेज से वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, क्योंकि जनरल नॉलेज के सवाल हर पेपर में आते हैं। तो पहले 10 सवाल हमने फर्स्ट वीडियो में हल कर दिए थे, तो आज उसमें सेकेंड है। सेकेंड पार्ट में 12वें नंबर से आप शुरू करेंगे। तो कह रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो ये सारे सीक्वेंस हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर बताने लग गए तो वो लंबी हो जाएगी। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, आप आगे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो की जो सही नहीं नज़र आ रहा तो आप वीडियो को जाकर HD में 720 में जाकर प्रमोट करें ताकि आपको वीडियो भी सही नज़र आ सके। अगर आपकी 420 में या 500 ये कुछ इसमें है तो आपको सही नहीं नज़र आएगा, 720 में लेकर जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न वाई रियल गैसेज डू नॉट बिहेव एज आइडियल गैसेज। रियल गैसेज हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। रियल गैसेज डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। रियल गैसेज एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैसेज अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रॉन्गली देन मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रियल गैसेज हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद ए सब्सटेंस हैज MR 74.5 एंड मेल्टिंग पॉइंट ये है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये है जी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन इट इन लिक्विड स्टेट। व्हाट इज द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आयन बॉन्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद जी 15 नंबर पर चलते हैं। प्रेशर ऑफ एयर कैन सपोर्ट 760 mm Hg कॉलम एट सी लेवल इज कॉल्ड 180 m। ये आगे दिया हुआ है ये वाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रेशर कितना है, तो इसका क्वेश्चन आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसको Which of the following tends to approach ideal gas like behavior at RTP? Ammonia, neon. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो neon है, बी, ठीक है। आगे बात करते हैं, neon इसका करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड और वगैरह इसके चौथे पांचवें नंबर पर। उसके बाद जी 17वें नंबर पर, which of the following gases approach ideal behavior at high pressure and low pressure? NH3, H2, HE, none of above. तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है D, none of above. 18 पर चलते हैं, CO2 is a gas at room temperature while another group 4 oxide SiO2 is a solid. What explains the difference? Silicon has greater pressure, it has stronger molecular force. Silicon oxide has CO2 has carbon bonding. Silicon has a very strong carbon bond, but CO2 has very weak covalent bond. Silicon has against molecular structure by CO2 has.
उसके बाद जो इंसान बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ अ गैस इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल रिमेन अनचेंज रिड्यूस रिड्यूस टू वन फोर्थ इंक्रीज फोर टाइम बी डबल तो ये कुछ है टेंपरेचर ऑफ गैस टेंपरेचर ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर है गैस का डबल प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ रिड्यूस हाफ का The value of universal gases constant are depend on the value of universal gas constant are depend on the temperature of gas, volume of gas, number of mole of gas, unit of volume and pressure. So, iska jo correct answer hai, isme ka wo hai B, unit of volume and pressure. ठीक है जी. उसके बाद जी 21वें नंबर पर चलते हैं. व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज स्टील ऑन व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज स्टील ऑन कौन से बॉन्ड जो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोवेलेंट सी इसका करेक्ट आंसर. ये थी आज के हमारे वीडियो केमिस्ट्री का सेक्शन हमारा यहाँ पे पूरा हुआ. आगे हम करेंगे अगर आप चाहते हैं और भी इसका मतलब क्या जाए तो कॉमेंट सेक्शन